सो गाइस ये है मेरी क्रिकेट टीम, इसमें है सिंचन और चॉप और टीम का नाम है गाइस बोल्ट राइडर्स। लेकिन तूने आज क्रिकेट टीम क्यों बनाया है यार? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है, सुनना चाहोगे गाइस? अरे सुनाओ ना भाई। अरे सुनाओ ना यार बोल। तो चलो दिखा लेते इस कहानी में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? बचपन में मुझे क्रिकेट देखना और खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, तो इसलिए जब मैं बड़ा हुआ गाइस तो मैंने अपने पापा की क्रिकेट टीम में शामिल हो गया और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे अपने टीम। तो एक दिन ऐसा आया, लेकिन जब हम लोग कप फाइनल्स खेल रहे थे, कप फाइनल्स, तो हम लोग की बहुत गंदी तरीके से हार हुआ था, ठीक है? एक टीम था पीके टीम करके, बहुत गंदी तरीके से हराए थे और उसका जो ओनर था वो बहुत ही घमंडी था और उसने हारने के बाद जब अपना टीम हार गया था तो फिर मेरे पापा को बहुत गंदी तरीके से सुनाया कि छोटे शहर के छोटे टीम इतने महंगे टीम के साथ फाइट करोगे, प्ले करोगे तो हारोगे ना। फिर वो बात मुझे बहुत चुभी, बहुत इंसल्ट मिला मेरे पापा को, तो इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं भी एक क्रिकेट टीम बनाऊंगा, ठीक है? ये तो 10 साल पहले की बात है। तो यार अब मैंने ये क्रिकेट टीम बनाया है गाइस बोल्ट राइडर्स। अब मेरा यही एक एम है कि कैसे मैं कप फाइनल के कप को फिर से जीतूं, फिर से मतलब अभी तक जीते नहीं, जीतूं और उस घमंडी बॉस को हराऊं। तो चलो खेलते हैं अपना पहला मैच। पहला मैच होने जा रहा है बोल्ट राइडर्स वर्सेस कोलकाता ईगल्स। अरे हम लोग तो विकर है यार, हार जाएंगे यार। अरे हम लोग तो विकर है। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, स्टार्ट इनिंग्स करो। हम लोग भले ही विकर है लेकिन अपने आप को कभी कमजोर समझना नहीं है, ठीक है? चॉप एंड सिंचन, तुम दोनों के पास ही बहुत कमाल का पावर्स है, तो तुम लोग आराम से इस गेम को जीत लोगे। अरे मैं ओपनिंग जाऊंगा यार। अरे मैं ओपनिंग जाऊंगा यार। अरे डेडे बोल्ट डेडे। अरे यार कोई ओपनिंग जा ले भाई, तुम दोनों। अरे तुम दोनों पहले नंबर पे ही जा रहे हो यार, एक रन लेके यार एक देने को, एक दोनों को स्ट्राइक दे रहे ना भाई। ओके एंड 38 रन्स टू विन इन 30 बॉल्स। ओके तो चॉप एक रन ले लिया तूने, थैंक यू सो मच यार, तूने मेरे को बैटिंग दिया। मैं टरी टरा नहीं हूं ना। अच्छा ठीक है ले 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 ले, मैंने भी एक रन ले लिया, अब तू भी आजा बैटिंग करने के लिए। और यार 2x क्या है भाई? ओके 2x का पावर क्या है मैं बता देता हूँ चॉप, ये तेरे पास पावर है, अगर तू एक रन मारेगा तो तेरे को 2 मिलेगा, 2 मारेगा तो तेरे को 4 मिलेगा। ओके मैंने एक रन मिला, इसका मतलब मेरे को 2 मिलेगा। अरे सही में मेरे को 2 मिला। अरे यार फिर से एक रन क्यों मारे तू? अरे यार वो भी मिस करे, मेरे को लगा तू 4 मारेगा तो तेरे को यार 8 मिलेगा। अरे 4 मारना इतना आसान है नहीं, ठीक है? एंड सिंचन बहुत बढ़िया, 2 रन बहुत अच्छी तरीके से ले लिया तूने। ओके मैं सोच रहा हूँ अभी एक ही रन ले लूँ फिर से। ओके एक रन ले लिया चॉप, तू आ जा। अरे ओवर का समाप्ति हो गया भाई, तू कितना बदमाश है, तेरे को ही फिर से स्ट्राइक मिल गया यार। अरे दोनों ही यार जीतने के लिए खेल यार, क्या कंपटीशन कर रहे अपने आप में, ठीक है? सिंचन ने फिर से तेरे को दे दिया चॉप। ओके थैंक यू सो मच सिंचन, अब मैं मारने वाला हूँ दो। अरे यार मिस कर दिया यार, क्या कर रहा है यार, चार मार चार। अरे इसकी ऐसी कटा सी तो चार ही मारूंगा यार, चार लगा दिया मैंने। अरे बहुत बढ़िया यार चॉप, बहुत बढ़िया खेला तूने। ओके फिर एक रन मार के सिंचन को दे दे क्योंकि उसका पावर भी आ गया। मेरा पावर? मेरे पास भी कुछ पावर है क्या? तेरे पास स्मैश का पावर है, अभी तू छौके और छक्के आराम से मार सकता है। का बाप रे क्या ही चक्का मारा भाई। अरे यार वो चौका है यार। ओके आप तूने चक्का मारा ना। अरे ये बहुत बढ़िया। अरे यस मैं कितना पावरफुल हूँ यार। ओके फिर से मैं स्ट्राइक पे आ गया हूँ, तो चलो मारता है 2 रन। अरे मजा आ गया यार, अब ये पूरा ओवर मैं ही खेलने वाला हूँ और ये 2 रन। अरे पूरा ओवर तू क्यों खेलता है यार? अरे यार कोई भी खेल ले भाई, अपने आप को जीतने का है। 11 wins मतलब अभी 10 रन चाहिए 15 बॉल में एंड सिंचन स्ट्राइक में, अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो 2 रन ही लूंगा, ये चॉप को दूंगा नहीं यार। ओके तो 8 रन चाहिए अभी 16 बॉल में, एक रन ले लेता हूँ यार। चॉप ऐसा तेरे जैसा नहीं हूँ, ठीक है तू आजा स्ट्राइक में। ओके मेरे पास फिर से 2x आ गया, अब मैं शायद से 2 रन मारने वाला हूँ, ठीक है 2 मारूंगा और मेरे को 4 मिलेगा। अरे ओके ओके 2 यस 2 और इसके साथ मुझे 4 रन मिल गए, 3 रन चाहिए अभी 12 बॉल में, आराम से जीत जाएंगे। और सिंचन बहुत बढ़िया, तूने मेरे को फिर से स्ट्राइक दे दिया। चलो गाइस 4 मार के इस गेम को समाप्त करते हैं यार, इसी के साथ हम लोग की हुई जीत। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने फर्स्ट गेम बखूबी से एकदम अच्छी तरीके से जीत लिया विदाउट लूजिंग एनी विकेट, ठीक है? तो अभी एक काम करें, दूसरा मैच खेलने से पहले मुझे अपने टीम को ट्रेनिंग में डाल देना चाहिए। अभी जस्ट गेम खेल के आया, अभी ट्रेनिंग में डाल देगा? अरे छोटा सा ट्रेनिंग है यार, 30 सेकंड का ट्रेनिंग है, कर ले। ओके ओके कर लेते, लेकिन तू क्या कर रहा है यार? मैं सोच रहा था कि बहुत बड़ा नेट खरीदूं लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो चलो ये 30 सेकंड का ट्रेनिंग कर लेते हैं। और नेक्स्ट मैच जिसके साथ होने वाला है वो होने वाला है यार पुणे पैंथर्स। अरे सही में क्या,
अरे हम लोग फिर से यार, अरे ये पुणे नहीं पटना पैंथर्स है यार, अरे आई एम सॉरी। तो ये अपना लाइनअप, तो चलो खेलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों को मैं बता देता हूँ, गाइस आज आई एम बोल गेमिंग 2.0 पे अपने सेकंड चैनल पे आ चुका है गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का वीडियो। तो अगर आप लोग आर्क के फैन हो तो जाकर के मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर देखो गाइस आर्क सर्वाइवल इवॉल्व गेम प्ले, ठीक है? तो गाइस जल्दी से जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो गाइस गेम हो गया है चालू। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो बोल्ट राइडर्स का जो बॉलिंग यूनिट है वो काफी वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। पहले नंबर पे जाएगा चॉप। अरे भाई रोज क्यों चॉप ओपनिंग में जाता है यार? अरे एक मिनट भाई, ये सब साइड में रख एंड देख, 44 टू विन टू 30 बॉल्स, टारगेट बहुत ज्यादा है। आरा यार सिंचन तो आज स्ट्राइक में। ओके यार चॉप, थैंक यू सो मच यार। ओके अब मैं इस गेम को जिताने वाला हूं, दो रन मारूंगा इस बार। आरा यार मिस कर दिया भाई, बहुत ही उछल रहा था कि ये करूंगा वो करेगा। अरे तू आजा फिर स्ट्राइक में तू आजा। ओके गाइस मैं आ गया, अब मैं सिंचन को दिखाने वाला हूं, मेरे पास 2x पावर फिर से आ गया और इस बार मैं दो मारने वाला हूं, मेरे को मिलेगा ठेंगा। अरे यार तू भी बहुत उछलता है, तेरे को भी इसलिए कुछ भी नहीं मिला। और ये अरे तूने 4 मार दिया। 4+4 8। मैं जब उछलता हूँ तो मैं करके दिखाता हूँ ब्रो, अब मैं मारने वाला हूँ एक रन और इसी के साथ मुझे दूसरा ओवर भी मिलने वाला है। अरे यार ये लोग कॉम्पिटिशन कर करके ही खेलेंगे, अब देखते हैं। फिर से चॉप दो रन के लिए जा रहे हैं एंड गाइस दो रन चॉप ने ले लिया, अभी 31 रन चाहिए और फिर से दो रन ले लिया। अरे चॉप मेरे को भी बैटिंग करने का मौका दे भाई। नहीं भाई ये अटैक 4, तू मेरे को क्या बोल रहा है, मैं बहुत उछलता हूँ भाई, मैं बहुत पक्का और अच्छा खिलाड़ी भी हूँ। अरे गाइस इसने 18 रन मार दिया गाइस, अभी देख सकते हो 20 रन हो गए 8 बॉल में, बहुत बढ़िया खेल रहा है यार। और इसी के साथ और एक दो रन, अरे ये मिस हो गया। अरे यार चॉप, अरे ये क्या हो गया, फ्लैश बैंक? अरे यार ये क्या हो गया, अभी फ्लैश बैंक ये है कि अभी एनिमी बॉलर तुम दोनों को देखने के लिए नहीं देगा कि यार कितना प्रोबेबिलिटी है, कौन सा वाला रन मारोगे तो कितना चांस है वो मतलब होने का, ठीक है? एंड सिंचन तू चार मार रहा है। हाँ मुझे चॉप को दिखाना है तो इसलिए मैंने चार मारा, अब मैं मारने वाला हूँ। अरे चक्का क्यों नहीं मार पाएंगे, फिर से मुझे छाड़ी मारना पड़ेगा यार। कोई नहीं यार, तूने बहुत बढ़िया खेला यार, अभी 15 रन ही चाहिए 16 बॉल में और इसी के साथ 2 रन। अरे सिंचन चॉप तुम दोनों तो कमाल का खिलाड़ी हो यार, और फिर से 4 रन, लेकिन इस बार हुआ नहीं 4 रन, तो इस बार सिंचन क्या करेगा? मैं 2 रन मारूंगा यार, और 2 रन तो हुआ यार, अभी 11 रन ही चाहिए यार, और इसी के साथ मैंने 4 और लगा दिए। यस यस अरे यार सिंचन भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है यार, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से आ गया हूँ यार मैदान में और इसी के साथ मैंने 2 रन मार दिया, अभी 22 रन हो गए, मैंने 11 बॉल में 22 रन मारा और अब 2 रन मारा। और यार क्या ही खेल रहा हूँ यार, अभी 3 रन ही चाहिए यार और मैं 4 मार के इस गेम को समाप्त करने वाला। तू तो आउट हो गया यार। अरे यार इतने हड़बड़ी से कौन खेलता है ये भाई, अगर ये कोई प्रो और कोई स्ट्रॉन्ग और ये गेम होता तब तो हम लोग हार जाते ना, कप फाइनल्स वगैरह होता तो यार, इसलिए संभाल के खेलना चाहिए। अरे भाई मेरे को पास दे यार। और क्या तुमका पास दे देता हूँ। अरे यार तू तो मिस कर गया यार। यार ओके बहुत बढ़िया, एक रन ले लिया सिंचन टू जा। ओके मैं तो छक्का मार के इस गेम को समाप्त करने वाला हूँ और ये छक्का मार दिया मैंने, मजा आ गया यार, क्या ही ऑसम सिक्स था इसी के साथ विक्ट्री। एंड चॉप इतना हड़बड़ी से और कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तुम दोनों एक ही टीम के हो कि नहीं? अरे हो यार। तो यार कंपटीशन किस बात का, हम लोग को टीम को जिताना है ना, ना कि अपने आप को जिताना है। और देख सकते हो गाइस अपना बॉलिंग यूनिट बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए ये लड़की भी बोल रही है, तो हमें अपने बॉलिंग यूनिट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा यार? इसके लिए यार ट्रेनिंग करना पड़ेगा गाइस। तो ये मुझे फिर से ट्रेनिंग पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो ट्रेनिंग पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेता हूं एंड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना पड़ेगा, अपने बॉलिंग यूनिट को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो चलो करते अपने बॉलिंग यूनिट को अपग्रेड। एंड देख सकते हो गाइस बॉलिंग यूनिट्स में अपने पास कोई अच्छा खिलाड़ी है ही नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इन लोग का अच्छा खिलाड़ी बना देंगे। तो गाइस अभी अपग्रेडेशन करते हैं, फिर नेक्स्ट मैच खेलेंगे, ठीक है? 2 hours later. तो गाइस मैंने अपग्रेड कर लिया अपने बॉलर्स को। अरे लखनऊ लायंस तो काफी स्ट्रॉन्ग है यार। गाइस ये टीम लास्ट टीम है, आज का ये लास्ट टीम है, अगर इन लोग को डिफीट कर देता हूँ, एंड गाइस देख सकते हो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, तो हमें डिसाइड करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम, हम लोग को डरना नहीं, हम लोग खेलेंगे। अरे खेलेंगे, इसमें क्या इतना टेंशन है, लखनऊ लायंस को हराएंगे। एंड गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन लोग को हरा दूंगा आज तो हम लोग के पास जो टूर्नामेंट का टिकट है वो मिल जाएगा। अरे टूर्नामेंट टिकट मिल जाएगा इन लोग को हराने से? हाँ। एंड गाइस 48 रन मारने हैं गाइस,
30 बॉल्स में तो काफी दिक्कत है, लेकिन तुम लोग कर लोगे तो पहले इस बार जाएगा ओपनिंग में एकदम सिंचन जाएगा। 49 चाहिए जीतने के लिए, ठीक है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग मिल बांट के खेलेंगे, चौप समझ गया ना? अरे यार हाँ मैं समझ गया, बहुत ही मिल बांट के खेलना पड़ेगा। ठीक है, डोरन ले रहा है क्या? हाँ मैंने डोरन ले लिया यार, चौप तेरे को दूंगा स्ट्राइक पे, रुक रुक। अरे आराम से खेल ले, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? लेकिन जीतना है। ओके ओके, एकदम अच्छी तरीके से खेल रहा है सिंचन, बहुत बढ़िया सिंचन, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। एंड इसी के साथ स्मैश मार गया, तो छक्का मार ब्रो, बहुत बढ़िया ब्रो, छक्का नहीं तो चौका से काम चला लिया तूने, अब छक्का मार सकते हैं। ओके छक्का सिक्स, मजा आ गया, ये है गगन चुम्बी छक्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सिंचन, बहुत बढ़िया खेल रहा है। एंड इसी के साथ दो रन, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का ओवर था। अब चौप तेरे को भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट बार जैसा मत कर, ठीक है? लास्ट बार तो आउट हो गया था, और काका वो मिस्टेक नहीं करेंगे। और मेरा पहला बॉल तो डॉट बॉल निकल गया, एंड ये तो डॉट बॉल नहीं, इससे तो मैंने एक रन वसूला। अब सिंचन फिर से आ गया है स्ट्राइक पे, और दो रन। अरे यार इन लोग का बॉलर्स भी काफी स्ट्रांग है यार। अरे 50-50 मतलब? ओपनर अभी दो चॉइस रखेंगे, या तो तेरे को जीरो मारना पड़ेगा या फिर छह। यार मैं जीरो ही मारता हूँ। नहीं नहीं छह। अरे यार सिंचन तो आउट हो गया यार, जीरो ही मारना चाहिए था। सिंचन यार बहुत ही कमाल का खिलाड़ी अपना चला गया। अरे चौब अभी तेरे को ही करना पड़ेगा यार। अरे यार अब मुझे ही करना पड़ेगा, और इस भाई को करना पड़ेगा यार। कोई प्रॉब्लम नहीं चौब, तू कर सकता है यार। ओके मैं आ गया हूँ स्ट्राइक पे, कोई प्रॉब्लम, हम लोग दो रन मारेंगे, बहुत बढ़िया चौब, एकदम टेंशन ना ले, आराम से खेल। एंड भाई इसको पास दे दे यार। ओके मैं इसको पास देता हूँ, एक रन मैंने ले लिया। ओके थैंक यू सो मच भाई, अब मैं 2x पावर मेरे पास आ गया है, तो एक काम करते हैं यार, दो रन मारते हैं और छाड़ मिल जा भाई, बहुत बढ़िया चार रन मिल गया तेरे को। अब तू क्या करेगा? मैं सोच रहा हूँ मैं छाड़ मारू क्या? नहीं नहीं चौब तू दो ही मार ले। ओके मैं दो रन मारा, आ रहा मिस हो गया यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 बॉल में 26 रन चाहिए, अभी चार मार रहा क्या? हाँ मैं चार मारा, इसी के साथ चार लग गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी तरीके से खेल। अरे चौब आई एम सो सॉरी यार। अरे सिंचन तेरी गलती यार, तूने जीरो क्यों नहीं मारा यार? अभी ये सब मन निकाल, ठीक है? चौब बहुत बढ़िया खेल रहा है, एंड चौब को डिस्ट्रैक्ट मत कर, एंड सिंचन इसको मोटिवेट कर। ओके चौब चौब तो कर सकता है, दो रन बहुत बढ़िया, अभी 18 रन ही चाहिए यार। ओके भाई मेरे को पास दे दे। ओके मैं फिर से स्ट्राइक में आ गया हूँ, और मैं अभी कौन सा 4 रन मारू क्या चौब? ओके बहुत बढ़िया, मेरे को लगा आउट हो जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया खेल रहा है। अरे इतना भी वीक खिलाड़ी नहीं हूँ यार बोल्ट। अरे चौब सही में तो बहुत प्रो खिलाड़ी है, मार यार बहुत बढ़िया। अरे यार चौब तूने तो सही में बहुत बढ़िया खेला, तेरे पास सिर्फ फिर से आ गया ये 2x पावर। अरे मजेदार, अब 2 रन और इसी के साथ 4 रन। अरे चौब तूने गेम को घुमा दिया, अभी सिर्फ 7 रन ही चाहिए 8 बॉल में, तो आराम से जीत लेंगे। तो 4 मार रहा है, अरे यार 4 लगा नहीं, नहीं नहीं 4 मत मार यार, धीरे धीरे से खेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? 2 रन ही मार ले। अरे हाँ 2 रन, अरे ये भी डॉट बॉल चला गया यार, अभी 6 बॉल में 7 रन चाहिए, तो यार पास दे दे ब्रो। ओके पास दे दिया चौब को, बहुत बढ़िया चौब तू क्या करेगा? मैं 2 रन मारूंगा यार। ओके 2 रन मार ले ब्रो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी सिर्फ 4 रन ही चाहिए 4 बॉल में, आराम आराम से एक एक करके भी खेलेगा तो। अरे यार तूने तो 4 मार के जिता दिया यार। अरे यार हम लोग को विक्ट्री मिल गया, इसका मतलब हम लोग को टूर्नामेंट टिकट मिल जाएगा, ये मजा आ गया ब्रो। The next day. So guys, जैसे कि आप सभी भाई लोगों ने देखा कि कैसे चौप ने मैच को जीतवा दिया था, तो गाइस हमें इस वाले आदमी को हराना पड़ेगा। एंड इसका टीम देख सकते हो गाइस, कटे बहुत ज्यादा प्रो प्लेयर से भरे हुए हैं। क्या गाइस मैं भी अपने बोल्ड राइडर्स को बहुत ही शक्तिशाली बना के इसके पीके ऑल स्टार्स को हरा सकता हूँ? तो गाइस ये तो आप लोग को जानने का मौका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी आप लोग को पार्ट 2 यस बोल भाई कमेंट करना है। एंड गाइस वीडियो को आज इधर ही समाप्त करते हैं। And guys, let me tell you, और एक बार बोल देते हैं guys, I am Bold Gaming 2.0 पे Ark Survival Evolve का वीडियो आ चुका है। And guys, we are Bolds पे guys, सिंचन और चौप ने खेला है बहुत बढ़िया गेम, Noob versus Pro versus Hacker वाला गेम, तो जल्दी से जा करके देखो, ठीक है? दोनों ही वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड सायोनारा।